गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने पहले वचन पढ़ाया था, आपको समझाया था और कुछ बाकी भी है, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं। आपको एक बार पुनः मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि वचन से क्या समझते हैं, वचन क्या है, वचन से क्या पता चलता है, वचन के कितने भेद हैं, उनके परिभाषा क्या होते हैं। आपको मैंने कई बार बताया, आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वचन से व्याकरण में संख्या का बोध होता है, वचन से संख्या का बोध होता है। वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे टोकरी, चांद, राम, केला आदि। बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, लड़के, कुर्सियां, घोड़े, तितलियां, मेजे आदि। आपको कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है, जैसे चोर भाग गया, उसको लिखते हैं बहुवचन में चोर भाग गए। साधु जा रहा है, साधु जा रहे हैं। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गए। दादाजी, हम जिनका आदर करते हैं, दादाजी बैठे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। चाचा जी घर आ गए। आपको मैंने दिया था याद करने के लिए, थोड़े थोड़े करके मैंने दिया। मुझे विश्वास है कि आप घर पर अवश्य सुनाए होंगे और लिख कर दिखाए होंगे। आज मैं उन्हीं में से कुछ और बच गए हैं, उनको मैं आपको फिर से पढ़कर मैं समझा रहा हूँ। चश्मा, चश्मे। चश्मा, चश्मे। सीटी, सीटिया। चीटी, चीटिया। भाभी, भाभिया। मामी, मामिया। तलवार, तलवारे। कपड़ा, कपड़े।
डिब्बा डिब्बे, लोटा लोटे, पतंग पतंगे, गली गलिया, पुत्री पुत्रियां, धोती धोतियां, चट्टान चट्टानी, आप एक वचन से बहुवचन बनाना सीख गए होंगे। एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, वचन से क्या पता चलता है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन से क्या समझते हैं, ये सब चीज, और आंख से आंखें, टांग से टांगे, कथा से कथाएं, प्याला से प्याले, ये सब भी आपको याद हो गए होंगे। और आज आपको मैं ये दे रहा हूँ, कल आप याद करके अवश्य लाएंगे, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा।